वो तो हाँ पता है। ये तो आम हो चुका है। आप बार बार भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मैंने कल शायद आपको कहा था कि भ्रष्टाचार होना संभव नहीं होगा। अर्चना जी को मैंने ये बात कही थी कि यदि हम डिजिटल करेंसी ले आए और इस देश को पेपर करेंसी मुक्त कर लें और 2% की ट्रांजेक्शन फीस का प्रावधान के साथ भारत सरकार के पास 10 गुना पैसा पहुंच जाएगा, और आप बताइए क्या भ्रष्टाचार होना संभव होगा? नहीं होगा। क्या कोई हवाला कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या कोई हथियारों का व्यापार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या कोई टुकड़े टुकड़े गैंग पनप पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यदि इस छोटे उपाय से इतना महापरिवर्तन संभव है, तो क्या ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी ये छोटा सा उपाय नहीं कर सकते? लेकिन सर जो आप कह रहे हैं, मैं उस पे मैं अपनी स्वीकृति तो दे सकती हूँ, लेकिन सर अगर हम अभी की बात करें, एक जितनी हमारी देश की जनसंख्या है, क्या उन सबके पास डिजिटल इक्विपमेंट भी है? क्या वो फोन है? क्या हम उनको पहले जिसको जिस जनता को मैथिली शरण गुप्त 5 मौलिक अधिकार दे रहे हैं, उनको जो है जिनको हम रोजगार का मौलिक अधिकार दे रहे हैं, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार दे रहे हैं, भोजन का मौलिक अधिकार दे रहे हैं, जिनको हम जो है शिक्षा का मौलिक अधिकार दे रहे हैं, प्रॉस्पर्टी और हैप्पीनेस का मौलिक अधिकार दे रहे हैं, उनको हम 5 डिजिटल आइडेंटिटी भी देंगे। हर किसी के पास अपनी डिजिटल आइडेंटिटी होगी, हर किसी के पास अपना मोबाइल फ़ोन होगा, हर किसी के पास जो है ना उसकी लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस उसके बॉडी में इंजर्टेड होगा, और उसकी कोई हानि नहीं कर पाएगा और वो किसी को हानि नहीं पहुंचा पाएगा। इस देश में भ्रष्टाचार करना और अपराध करना लगभग नामुमकिन होगा, और यदि वो अपराध करेगा तो 45 दिन के अंदर जेल में सड़ेगा, ये सुनिश्चित होगा। जब ऐसा होगा तो लोगों की सिस्टम में आस्था बनेगी। आज आपकी सिस्टम में अविश्वास है। अविश्वास है सर। अगर हम कितने ही देशों में देखते हैं कि जैसे अरेबियन कंट्रीज में ऐसा होता है कि अगर उनसे वाहन से के साथ कोई दुर्घटना हो गई या फिर उन्होंने अपनी रेड लाइट को क्रॉस कर दिया, तो वो खुद से जाकर पुलिस स्टेशन में अपना वो भर देते हैं चालान। देखिए, हम लोगों को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम टेक्नोलॉजी में ये व्यवस्था कर सकते हैं कि बिना पुलिस के ये इसका संज्ञान भी हो जाएगा, आपके अकाउंट से पैसे भी डिडक्ट हो जाएंगे। यदि आप उसे चैलेंज करेंगे और यदि आप जीत जाएंगे तो आपको 20 गुना ज़्यादा पैसा हम आपको वापस में भरपाई कर देंगे। ये हम टेक्नोलॉजी से संभव कर सकते हैं, ये आदमी से संभव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आदमी को इस व्यवस्था ने धूर्त बना दिया है, चंडाल बना दिया है, राक्षस बना दिया है, और हम चारों तरफ राक्षसी व्यवस्था में जी रहे हैं, कलयुगी व्यवस्था में जी रहे हैं। अब समय आ गया है कि इस सतयुगी आधुनिक काल की सत्यनारायण कथा में के माध्यम से हम अपने देश को ही बदलें। तो जैसे कि सर कह रहे हैं कि अब इस कलयुग का अंत होने वाला है और दोबारा सतयुग शुरू होगा इनके अपराध मुक्त भारत से, तो देखते रहिए आप क्राइम फ्री भारत मिशन। क्राइम फ्री भारत मिशन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरु।